सेलो प्ले एक बार भाई। ये देखो भाई, दोबारा ले। तो अब आप देख सकते हैं कैसे ये इतना लॉन्ग सेल्फ ले रही है, फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही है। अभी आप इसको जोर से गाड़ी के धक्का लगाएंगे, काफ़ी लंबा धक्का, उसके बाद में स्टार्ट हो जाएगी। ये इसकी हीटर है तो इनकी भी वायरिंग नहीं लगी हुई है। और आप लंबा धक्का या काफ़ी लंबा सेल्फ या पेट्रोल थोड़ा सा इसको आप सुंगा के इसको स्टार्ट कर सकते हो, वैसे बाकी नॉर्मल सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रही। तो देखते हैं इसमें क्या रहता है। तो अभी सबसे पहले हम इंजेक्टर इसके चेक करेंगे। तो इंजेक्टर चेक करने के लिए इसकी रिटर्न देखेंगे हम कि रिटर्न कितना दे रहा है ये। तो अभी इसकी कैप निकालेंगे हम, रिटर्न पाइप। तो रिटर्न पाइप को निकालने के लिए जिसके ऊपर कैप होती है इसको आराम से पहले कैप को बाहर निकालना होता है, थोड़ा सा ऊपर खींचना होता है, उसके बाद में साइड में से पाइप को ऊपर खींचना होता है, तो ये इसकी पाइप की जो लॉक है निकल जाती है। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये जो इसके ऊपर कैप है ये आप देखो, देख सकते हो, ये इसको लॉक करने के लिए तो ये मैंने दबाई, और आप पहले इसको पकड़ के और यहाँ से इसको कैप को हटा के इसको अनलॉक करते हो, फिर उसके बाद में कैप निकालते हो। तो ऐसे पाइप ये निकाल लेंगे। चलो तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये काफ़ी लंबा शेल्फ लेने के बाद स्टार्ट होगी। ये पेट्रोल हमने इसमें इनलेट में डाला है, थोड़ा बहुत कम मात्रा में हम डालते हैं, लेकिन ये अभी फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो अब हमने इसको स्टार्ट कर लिया है और आप रिटर्न देख सकते हो, दो और तीन में कितना ज़्यादा रिटर्न है, और एक में भी है थोड़ा रिटर्न, बाकी दो और तीन में बहुत ज़्यादा रिटर्न है, जिस वजह से रेल का प्रेशर पूरा नहीं बन रहा है और ये स्टार्ट नहीं हो रही है। तो अभी हम इसके ये इंजेक्टर हैं, चारों इंजेक्टर हमने करवा लिए हैं सर्विस, और ये लास्ट इंजेक्टर है एक नंबर, उसको मैं लगा रहा हूँ। तो अभी हम इंजेक्टर लगा के इसकी फिटिंग कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में एयर निकाल कर इसको स्टार्ट करेंगे। तो चारों इंजेक्टर हमने लगा दिए हैं, तो अभी चारों इंजेक्टर हमने लगा दिए हैं और गाड़ी स्टार्ट कर ली है। तो अब आप इसकी रिटर्न देख सकते हो, बहुत कम है, ये इसकी स्टैंडर्ड रिटर्न है, इस हिसाब से इसकी रिटर्न होनी चाहिए। तो अभी इसको कंप्लीट करके हम वापस से स्टार्ट करेंगे, फिर देखते हैं इसमें क्या रहता है। तो अभी हम वापस से इसको स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट हमने इसको कर लिया है। तो अब हमने इसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट हमने इसको कर लिया और कोई वार्निंग लाइट इसमें नहीं है, कहीं कोई फ्यूल से रिलेटेड डीजल फिल्टर की कहीं कोई लाइट इसमें है नहीं, गाड़ी एकदम स्टार्ट है और ना कोई वाइब्रेशन है ना कोई मिसिंग है गाड़ी में, कुछ नहीं है। तो अब इंजेक्टर की रिटर्न ज़्यादा होने से इसमें रेल में प्रेशर नहीं बन रहा था, जिस वजह से ये स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो अब इंजेक्टर में हमने सर्विस कराई और में कंट्रोल वार डलवा लिया है, जिस वजह से रिटर्न इसका कंट्रोल हो गया है, इसलिए गाड़ी अब एक बार सेल्फ लेने पर स्टार्ट हो रही है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।